नमस्कार, मैं विवेक रे। हमारा चौथा दिन है मत्ती के अध्याय 8 के अध्ययन का। आपको याद होगा कि कल हमने शुरू किया था जब यीशु और उसके चेले गलील के समुद्र में से दूसरी तरफ जा रहे थे और अचानक से तूफान आ जाता है। और इस घटना से हम सीख रहे थे कि किस तरह से हम चिंता के साथ, घबराहट के साथ हम लोग उसका सामना कर सकते हैं, हम कैसे चिंता को दूर भगा सकते हैं। हमने बात की पहले कदम की, वो है जीवन की और हमारे भावनाओं की वास्तविकताओं को स्वीकारने की। समस्या है, विकट परिस्थितियां है, संसाधनों की कमी है और इसके बीच में ऐसा लगता है कि परमेश्वर सो रहे हैं, उनको हमारी परवाह नहीं है। ये सारी हमारी भावनाओं की, हमारी परिस्थितियों की वास्तविकताएं हैं और ऐसे में चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में घिसी पिटी उक्तियां किसी भी काम की नहीं। मैं ये बोल बोल के थक सकता हूँ कि कल वापस से सूर्य उदय होगा, पर ये मेरे को चिंता करने से रोक नहीं सकता। आंकड़े भी किसी काम में नहीं आते। मैं कह सकता हूँ कि आपके 92% लोग जिस बारे में चिंता करते हैं वो कभी घटता ही नहीं। तो आप शायद मुझसे कहेंगे, शायद मैं 8% में से हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि चिंता करके आपकी आयु कम कर रहे हैं, आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर भी आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। हम लोगों को चिंता ना करने के लिए मना नहीं सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि चिंता मत करो। ये सच्चाई है कि चिंता का कोई फायदा तो नहीं है, पर चिंता के क्षणों में आपको इस बात का एहसास होता है कि मेरे को अपनी चिंता से बड़ा, उससे ज्यादा ताकतवर कुछ चाहिए। अब क्या है जो चिंता से ज्यादा ताकतवर है, उससे बड़ा है? और वो है उपासना, आराधना। चिंता किसी काम की नहीं है, क्योंकि केवल समस्याओं और परिस्थितियों के बारे में सोचकर कुछ भी नहीं होगा। आपको उत्तर चाहिए। कुछ परिस्थितियों में आपके पास उत्तर होते हैं, कोई शक नहीं, पर जिन विषयों को लेकर आप चिंता कर रहे हैं उनके उत्तर, उनके समाधान आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर होते तो आप चिंता नहीं कर रहे होते, उसके बारे में कुछ कर रहे होते। तो सबसे पहले आप परिस्थिति और समस्या के सामने अपनी विवशता को स्वीकारते हैं। मेरी परिस्थिति मुझसे बड़ी है, मेरे समस्याएं मुझसे बड़ी है, मेरे संसाधनों की कमी है और मेरी चिंता जो है, मेरी परिस्थिति है, वो मेरे सामर्थ्य से बड़ी है और मेरे को कोई चाहिए जो इन परिस्थितियों को, समस्याओं से बड़ा है। और इसके लिए आप विश्वास को चुनते हैं, यीशु पर विश्वास, पिता परमेश्वर पर विश्वास। विश्वास ही है जो आपको चिंता से मुक्ति दिला सकता है और यीशु के चेलों ने अंत में यही किया। 25 से 27 पद तक हम देखते हैं, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और लोग अचंभा करने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। 4 बातें हैं जो हम यहाँ पे चिंता के विषय में और विश्वास के विषय में, चिंता के बीच विश्वास के विषय में सीख सकते हैं। पहला है, अपनी परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करना एक चुनाव है, एक निर्णय है। चिंता खुद ब खुद होती है, पर विश्वास करना ये हमारे हाथ में है, हमारा निर्णय है। विश्वास करने का मतलब है कि परमेश्वर से मदद मांगना और उस पर भरोसा करना। पर पता नहीं क्यों हम परमेश्वर से मदद तब मांगते हैं जब हम खुद सब कुछ कर कर थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं। शायद ये चेले भी सब कुछ कर रहे होंगे, तूफान में अपनी नौका का नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर जब उनको उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आई तो वो डरने लगे कहीं वो डूब ना जाए, और तब वे यीशु को आवाज लगाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले सोचते हैं कि इस समस्या से मैं खुद निपट लूंगा। मैंने देखा है जो ज्यादा चिंता करने वाले लोग होते हैं वो अधिकतर अहंकारी होते हैं, उनको मदद मांगने में संकोच होता है। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे अनुभव रहे हो जब आपने लोगों से मदद मांगी हो और वो आपको ना मिली हो, या फिर उनको लगता है कि जो करना है मुझे ही करना है क्योंकि और कोई मेरी परवाह नहीं करता। और परमेश्वर वो सिर्फ बड़े कामों के लिए है, छोटी छोटी समस्याओं का, मेरी छोटी छोटी समस्याओं का परमेश्वर को क्या लेना देना। परंतु मेरे प्रियजनों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन की हर समस्या में आपके साथ रहना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो आपको अपने जीवन के तूफान के बीच आपको शांति देना चाहता है। फिलिपियों 4 अध्याय में 6 से 7 में लिखा है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बाइबल में सत्य बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रार्थना ही है जो चिंता को दूर करती है। चिंता कहाँ है? चिंता आपके मस्तिष्क में है। प्रार्थना करना एक जीवन का मनोभाव है, जीने का तरीका है। सिर्फ जब कोई विपत्ति आती है तभी आप मदद की गुहार नहीं लगाते, पर हर एक बात में परमेश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं, और वो प्रार्थना ही है जो चिंता पर विजय प्राप्त कराती है। उसमें आप क्या करते हो? अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हो निवेदन के द्वारा, और आप उसका धन्यवाद करते हो। प्रार्थना निवेदन करने का एक निर्णय है। निर्णय है आपको चिंताओं के बीच परमेश्वर पर विश्वास, उस पर भरोसा करने का, और विश्वास अंततः चिंता को पछाड़ देता है। दूसरी चीज आप और हमें अपने जीवन में चिंता को हराने के लिए करनी चाहिए, और वो है अपने डर पर सवाल उठाइए। यीशु ने भी यही किया। वो पूछता है, क्यों डरते हो? वे अपने शिष्य से पूछता है क्यों, क्योंकि तूफान है और हम यहाँ डूबने वाले हैं। तो यीशु कहता है क्यों डरते हो, क्योंकि वह हमें हमारे जीवन में चिंता के बारे में कुछ सिखा रहा है। हमारी चिंताएं हमेशा हमारे डर के कारण ही होती हैं। डर कि कुछ बुरा ना हो जाए, बहुत बुरा। और इसलिए जब हम अपने डर पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है। हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा डर ही अंतिम सत्य है, अंतिम अधिकार है। मुझे जिस चीज से डर लगता है वे मेरे जीवन को, मेरे विचारों को, मेरे जीवन की दिशा को, मेरे सोच को नियंत्रित करता है, जैसे मानो उसके पास एक परम शक्ति हो। लेकिन अगर आप उन आशंकाओं पर, उस डर पर सवाल उठाओगे तो आप पाओगे कि परम शक्ति तो परमेश्वर की है। परमेश्वर ही परम सत्य है, उसके पास ही परम अधिकार है, अंतिम अधिकार है। और आपका डर सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या मात्र है, आपके दिमाग की उपज है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि भविष्य तो आपने देखा ही नहीं। तो अपने डर पर सवाल उठाइए, डर पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। यदि आप अपने जीवन में किसी एक चीज को लेकर लगातार चिंता कर रहे हैं तो आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि मुझे किस बात का डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, वो कौन सा डर है जिस पर परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज जो आप करते हैं वह यह है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं, बल्कि यीशु जो कहते हैं कि चेलों से कहते हैं हे अल्पविश्वासी हो, उनकी चिंता का कारण क्या था? उनका अल्पविश्वासी होना। यहां यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चेलों के पास चिंता करने का अच्छा कारण था, और जब हम चिंता करते हैं शायद हमारे पास भी चिंता करने का अच्छा कारण होता होगा। लेकिन यीशु उन्हें बता रहे हैं कि चिंता से स्थिति बेहतर नहीं बनती, विश्वास से बनती है। हो सकता है उन्होंने पूछा हो कि तुमने मुझे विश्वास करके पहले क्यों नहीं जगाया, क्यों इतना संघर्ष कर रहे थे, वहां बैठकर अपने हाथ मल रहे थे और सोच रहे थे कि मैं क्यों सो रहा हूं। चिंता से आपकी कोई मदद नहीं होती है। तो हम अल्पविश्वासी हैं, ये सच्चाई है। चिंता का कारण उचित नहीं होता, क्योंकि चिंता हमेशा प्रतिकूल ही होती है। अब आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं? विश्वास शरीर की एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप अपनी मांसपेशियों काम में लगाते हैं उतनी ही वो ताकतवर बनती है। वैसे ही जितना ज्यादा आप विश्वास को काम में लगाते हैं, अपने छोटे से विश्वास को काम में लगाते हैं, वो धीरे धीरे ताकतवर बनती जाती है। वास्तव में परिस्थितियां हैं जो हमारी चिंता का कारण है, और यही परिस्थितियां हमारे विश्वास का निर्माण भी कर सकती हैं अगर हम उसको काम में लगाए। सच्चाई तो यह है कि जिन चीजों को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता वे मुझे चिंतित करती हैं। जब मैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ और देखता हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास दृढ़ होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव रहा है।
मेरे सामने कई समस्याएं आई और मैंने उसमें खुद को संभालने की समस्याओं को संभालने की नाकाम कोशिश की और उसके बाद थक हार कर मेरे पास थोड़ा सा विश्वास था उसको लेकर मैंने परमेश्वर से भरोसा किया, प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपनी तरह से मेरी समस्या से मेरे को उभारा, अपनी तरह से, मेरी तरह से नहीं। तब मैंने समझा कि परमेश्वर मेरी स्थिति को मुझसे बेहतर समझते हैं, वो मेरी स्थिति में मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं और इससे मेरा विश्वास थोड़ा सा बढ़ गया। और अगली बार जब वापस से प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मेरा विश्वास, भरोसा थोड़ा सा अधिक था और हर चुनौती पर मेरा विश्वास बढ़ता गया। हर बार एक चुनौती आई, एक समस्या आई, एक परिस्थिति आई और परमेश्वर ने उसमें से मेरे को उबारा और मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर भरोसा करना शुरू करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसमें कार्य करते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जाता है, उसके प्रेम में बढ़ता जाता है और तब बड़ी परिस्थितियों में भी हम न घबराते हुए, न चिंता करते हुए परमेश्वर पर भरोसा करने का निर्णय आसानी से ले पाते हैं। और चौथी बात जो हमें इन पदों में सीखने को मिलती है, जो है हमारी चिंता से निपटने में मदद करती है, वो है कि याद रखना, खुद को याद दिलाना कि परमेश्वर हमेशा नियंत्रण में है, वो किसी भी स्थिति में नियंत्रण में है। यहाँ जो होता है वह लगभग हास्यास्पद लगता है, सिवाय इसके कि यह हमें खुद की बहुत याद दिलाता है। चेले लोग डर और चिंता से मरे जा रहे थे और यीशु शांति से जागते हैं और कहते हैं, आंधी शांत हो जाओ, लहरें शांत हो जाओ, और सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यीशु वापस जाकर सो जाते हैं और चेले नाव पर मुंह खोल कर बैठे हैं। ये कैसा मनुष्य है, ये कौन है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। जी हाँ, परमेश्वर थे जो उनकी नाव में थे। परमेश्वर एक शब्द से ब्रह्मांड को आज्ञा देते हैं और वैसा ही होता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका अंतिम निर्णय उनके पास ना हो। अब हो सकता है हमारे पास हजार प्रश्न हो, क्यों जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं घटता है, सब कुछ वैसा नहीं होता, क्यों कभी कभी परमेश्वर कुछ करने में देरी करते हैं, इस संसार में बुराइयां क्यों हैं, इस संसार में कष्ट क्यों है, हजारों प्रश्न, हजारों सवाल हो सकते हैं, पर ये सारे सवाल मेरे आश्वासन को मुझसे नहीं छीन सकते कि परमेश्वर अंततः नियंत्रण करने वाला है। अंतिम नियंत्रण परमेश्वर के पास है और वो मेरे साथ है, मेरे लिए है और मैं इसलिए उस पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ। अक्सर हमारी चिंता का कारण यह होता है कि हम यह कहने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हम बेकाबू को बाकाबू करने की कोशिश करते हैं, जो समझ के परे है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो मिल नहीं सकता उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो रुक नहीं सकता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जो असहनीय है उसे सहन करने की कोशिश करते हैं। समस्या यह है कि जीवन का काफी बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसलिए आप चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाते। मैं नहीं रोक पाता क्योंकि आपको अपना जीवन अनियंत्रित महसूस होता है, पर सच्चाई तो यह है कि आप कभी भी उसे अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। तो प्रसन्न, चिंता रहित जीवन जीने का रहस्य क्या है कि आप नियंत्रण करने की कोशिश को छोड़ दीजिए। ये एक असंभव कार्य है। छोटे बच्चों को चिंता क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करते ही नहीं है, वो निर्भर रहते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उस पर भरोसा करते हो जिसके पास सारे नियंत्रण है। अभी हम स्वर्ग में नहीं है जहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इस धरती पर है और जब तक इस धरती पर है समस्याएं हैं, ये वास्तविकता है। ईश्वर ने खुद कहा, जब तक तुम इस धरती पे हो तुम्हारे पास समस्याएं हैं, पर इन समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं विश्वास के साथ। विश्वास करते हैं उस उदार और प्रेम करने वाले परमेश्वर पर जो वादा करता है हमारे साथ हमारी नाव में होने का, हमारी समस्याओं के बीच हमारे साथ होने का। कई बार वो समस्याओं को झट से समाधान कर देता है और कभी कभी नहीं करता, पर उन समस्या और परिस्थिति के माध्यम से हमें वो वहाँ पे, उस स्थान पे लेके जाता है जहाँ पे वो चाहता है कि हम जाएं। तो इस विश्वास की आत्मा के साथ उससे एक पल हम प्रार्थना में बातें करें, शायद आप मेरे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहेंगे। पिता, मैं चाहता हूँ
कि मेरा जीवन विश्वास से चले, न कि चिंता से और भय से। तो अभी मैं आप पर भरोसा करने का निर्णय लेता हूँ। आप हैं जो नियंत्रण में हैं, मेरे जीवन का नियंत्रण करें, मेरी परिस्थितियों को नियंत्रण में लीजिए। मुझे पता है कि आखिर में आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं आपकी मदद मांगता हूँ मेरे डर को शांत करने के लिए, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए, अपनी महानता को मेरी परिस्थितियों में दिखा, जीवन के तूफानों में दिखा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम एक अद्भुत घटना देखने वाले हैं कुछ दुष्ट आत्मा और कुछ सुअरों के बारे में। कल फिर मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा।